एडीएनटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेहसाणा सिविल नर्सिंग स्टाफ उग्र मांग के तहत हड़ताल पर। मेहसाणा सिविल अस्पताल के परिसर में आज नर्सिंग स्टाफ धरने पर बैठ गया और केंद्र सरकार की नीति के सामने विरोध किया। केंद्र सरकार के अनुसार वेतन नर्सिंग के उच्च अध्ययन के चलते वेतन पर तैनाती फिर से शुरू की जाएगी। डेजिग्नेशन के बदलाव से नर्सिंग के सेंटरों के राज्य में अनुमति दी गई। नर्सिंग के डॉक्टरों की स्वीकृति, राष्ट्रीय पेंशन योजना के पुनः शुरुआत, नर्सिंग छात्रों को स्टाफ फंड में बढ़ावा, नर्सिंग स्पेशलिटी को विशिष्ट पद और वेतन बढ़ाया जाए, इन सभी प्रकार की मांग की गई। मेहसाणा से सिद्धार्थ बिल की खास रिपोर्ट। अपने शहर और आसपास की खबरें जानने के लिए देखते रहिए एटीएन टीवी न्यूज। नर्सिंग आंदोलन केटलाय टाइम थी चालू छे अने जो परिणाम योग्य परिणाम ना आवे तो 1 ऑगस्टे अमारी महारेली गांधीनगर में एनु आयोजन करेल छे। ये किसके लिए बना जा रहा है? वो हमारी जो केंद्र के अनुसार हमारा जो पत्ता है वो नहीं है। और दूसरी है, हमारा जो समान वेतन है वो वेतन नहीं है। इसके लिए समान काम समान वेतन चाहिए हम सबको। कई हफ्तों से हमारा ये आंदोलन चल रहा है। नर्सिंग हॉस्पिटल मेहसाणा के सभी स्टाफ यहाँ पे एक दिवसीय उपवास पर बैठे हुए हैं। हमारी मांगे है कि समान काम समान वेतन दो। जो केंद्र में पगार है, जो भत्ते हैं, वो गुजरात सरकार नहीं दे रही है, इसीलिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। अभी ये उपवास का ये लास्ट डे है। अगर ये आज उपवास पर है, अगर ये पूरा नहीं होता है, सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगी, तो 1 ऑगस्ट को हम महारैली गांधीनगर में योजेंगे, जहां गुजरात के सभी नर्सिंग स्टाफ वहां पे एक साथ रैली निकालेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।